2008 के ब्लास्ट में नई चीज क्या हो गई? 2008 का ब्लास्ट सितंबर में हो गया, सितंबर जी, और उसके 3-4 महीने पहले या जून जून में महाराष्ट्र एटीएस के चीफ का तबादला हो गया और वहां पे करकरे आ गए। तो करकरे, हेमंत करकरे जून 2008 में एटीएस के चीफ बने जी, और सितंबर 2008 में बम ब्लास्ट हो गया। हमेशा की तरह आईबी ने उनको इनपुट भेजना शुरू किया जी, इन्होंने क्या होगा, उन्होंने क्या होगा, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो। करकरे बहुत ईमानदार आदमी था, वो बोला नहीं मैं, मुझे तो बहुत इल्जाम लग रहे हैं। हाँ नहीं, उनको इल्जाम लगने दो, लेकिन उसने पूरे ऑनेस्टी के साथ जी और बहुत खुल के उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। वो बोले कि जब तक मुझे एविडेंस नहीं मिलेगा, सबूत नहीं मिलेगा, मैं किसे अरेस्ट नहीं करूंगा। तो उन्हें इसकी शुरुआत जो की, ये शुरुआत इसने सीन ऑफ द ऑफेंस, जहाँ ऑफेंस होता है वहाँ से की। वहाँ उनको एक मोटरसाइकिल मिली, तो मोटरसाइकिल का जब उन्होंने एग्जामिनेशन की तब उनको पता चला कि इसी मोटरसाइकिल पर ब्लास्ट लगे हुए थे अपना एक्सप्लोजिव्स। तो फिर उसकी ओनरशिप कौन है, उसका मालिक कौन है जी? इनकी तहकीकात जब उन्होंने शुरू की तो उसका जो नंबर प्लेट था वो चेंज किया था जी, उसका इंजन नंबर भी चेंज किया था, उसका चेसिस नंबर भी चेंज किया था। ओके, तो फिर उन्होंने वो गाड़ी कंपनी को भेज दी जी, और कंपनी को बोला मुझे इसका करेक्ट नंबर बता दीजिए। तो वो करेक्ट नंबर मिला, फिर उन्होंने डीलर से उसके ओनर का नाम लिया, तो वो ओनर थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, साथी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो उसका नाम आते ही उन्होंने उनको अरेस्ट किया जी। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी, तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस था कि इतने हम ब्लास्ट करते आ रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया तो अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन उनको अरेस्ट करते ही वो हड़बड़ा गई जी, और उन्होंने जो भी थे उनके नाम बताने शुरू किए गए। फिर करकरे ने ये 11 लोगों को अरेस्ट किया, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित थे जी, मेजर उपाध्याय थे, दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी, ऐसे 11 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। लेकिन ये 11 लोगों के अरेस्ट से अहम बात ये थी कि उन्होंने उनसे 2 लैपटॉप बरामद किया। हाँ, तो लैपटॉप 3 बरामद किए, 2 दयानंद पांडे से जी और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से। दयानंद पांडे के जो लैपटॉप थे उसमें जो भी उन्होंने पूरे देश में मीटिंग्स ली थी जी, वो मीटिंग्स का वीडियो या ऑडियो जी, कुछ में वीडियो और कुछ में ऑडियो रिकॉर्डिंग, जब रिकॉर्डिंग्स लैपटॉप्स में उसमें उसे रखे थे उन्होंने। तो उसमें कुछ 24 ऑडियो और 24 वीडियो थे। तो वो मीटिंग्स में जो भी मीटिंग्स थे उनका पूरा प्रोसीडिंग ही रिकॉर्ड किया गया था, और जो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के पास थे जी उसमें अमित, ये जो अभिनव भारत थी उसकी पूरी जानकारी थी कि क्या है संगठन, क्या है इसका मकसद, क्या है जी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी। जैसे कि मैं बताया जी, ये जो अपना संविधान है उसको तोड़ डाल, उसको तोड़ डाल, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसे उड़ा देना, और आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र का स्तंभ, ये करना। और ये करने के लिए सिर्फ ये इनका एक अकेले का एक संगठन का काम नहीं था जी, तो इनको कुछ फॉरेन पावर्स की जरूरत थी। अच्छा, तो उनके साथ उनकी जो भी बातचीत चली थी लाइक फंडिंग वगैरह, और नहीं नहीं बाकी इसराइल के साथ उनकी बातचीत चली थी, नेपाल के साथ बातचीत चली थी, इंटरनेशनल नेटवर्क, हाँ इंटरनेशनल नेटवर्क, जो नागा रिबेल्स हैं उनके साथ चली थी। अच्छा, तो उनमें क्या क्या बातचीत चली थी वो भी उसमें डिटेल्स। तो क्या वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी कोर्ट में है? है ना, सब रिकॉर्डिंग कोर्ट में। तो ये जब रिकॉर्डिंग करकरे देखने लगे जी, तो उसमें बड़े बड़े नाम दिखने लगे, बड़े बड़े उनकी शक्लें दिखने लगी वीडियो में, वीडियो में।
देश के बड़े बड़े लोग दिखने लगे जी। तो कर करे क्या करते, एक आधा वीडियो देखते और उसमें जो भी दिखते थे उसमें बुलाते जी, अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनको अरेस्ट कर देते, ये सिलसिला शुरू हो गया। ओके। तो इससे उसमें इनके बहुत हड़बड़ मच गई ये ब्राह्मण लोगों में। उस टाइम हम देख रहे थे मीडिया में काफी न्यूज आ रही थी कि कई बड़े नाम एक्सपोज हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो फिर आईबी भी डर गई जी, कि आईबी को लगा कि इतना बड़ा चला है, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमारा भी नाम आ जाएगा। ओके। तो ये सब लोग डर गए और करकरे पर हर तरह का प्रेशर लाने की उन्होंने कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर लाया, रिलीजियस प्रेशर लाया, उनको पैसों का भी कुछ ये दिया, लालच दिखाया, घर के उनके लोगों को मारने की धमकी दी, फिर भी वो नहीं दबे, उन्होंने अपना काम शुरू ही रखा जी। तब उनको लगा कि अगर ये नहीं सुन रहा, अगर ये ऐसा ही काम शुरू किया जी, तो हमने इतना जो बड़ा आज तक हजारों साल से जो बना के रखा है ये सब खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने उनकी एक मीटिंग में ऐसा फैसला हुआ था जी, फरीदाबाद की मीटिंग में, वो भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, उसकी भी रिकॉर्डिंग? हाँ, वो भी कोर्ट में है। वो भी कोर्ट में है जी, कि भाई जो ऐसे हिंदू राष्ट्र के आड़ा जो आएगा जी, उसे हम खत्म ही करेंगे। जो भी बैरियर बनकर आएगा सर, जो भी बैरियर, तो वो तो उन्होंने पॉलिसी डिसीजन ही लिया था। तो उस पॉलिसी डिसीजन के मुताबिक उन्होंने इनको खत्म करने का फैसला किया। तो मालेगांव ब्लास्ट का पहली कॉन्स्पिरेसी की मीटिंग अप्रैल 2008 में भोपाल में हो गई। ओके। उसमें सब थे जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह थी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित था, अपने मेजर उपाध्याय थे, दयानंद पांडे थे, समीर कुलकर्णी, ये सब लोग ऑल 12 थे, सभी ने 8-10 जो होते थे। तो उस मीटिंग में यह तय हुआ कि मालेगांव में मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ ब्लास्ट कराएं पहले। अच्छा, तो ये तय हुआ। तय होने के बाद कर्नल पुरोहित बोले कि उसके ये जो एक्सप्लोजिव हैं वो मैं दे दूंगा। प्रज्ञा सिंह बोली कि उसके लिए जो मैं लोग चाहिए वो मैं दे दूंगी, मेरे पास अच्छे लोग हैं। तो ये तय हुआ, मीटिंग खत्म हो गई। उसके 2 महीने बाद जून में इंदौर के रेस्ट हाउस में दूसरी मीटिंग हुई गई इसी मामले में, इसी से ले लगा। तो उस वक्त अपने प्रज्ञा सिंह जी सर अपने 2 लोगों के साथ में लाई थी। ओके। रामजी कल संग्रह आदमी देने के लिए कहा था, रामजी कल संग्रह और संदीप डांगे, उनकी उसने पहचान करा दी। उनका बॉस था वो ये क्या दयानंद पांडे, उनसे पहचान करवाई जी। वो बोली कि ये मेरे भरोसे के आदमी है और बहुत अच्छे आदमी है, कौन सा भी काम कर सकते हैं, तुम इनको मैं आपको हवाले करती हूँ करके उन्होंने दे दिया पहचान। फिर उसके बाद तीसरी मीटिंग जुलाई महीने में फिर से इंदौर में हुई, दूसरी भी तीसरी भी जुलाई में जी। तो उसने दयानंद पांडे को बोला कि मैंने 2 लोग दिए हैं, अभी तक उनको RDX नहीं मिला। अच्छा, तो आप कर्नल पुरोहित को वो आदेश दो कि उनको आप ये दे दें, सप्लाई दे, RDX दे दें जी। फिर चौथी और आखिरी मीटिंग हो गई अगस्त में उज्जैन में जी। उस मीटिंग में कर्नल पुरोहित भी थे, बाकी सब लोग थे। कर्नल पुरोहित ने अपने असिस्टेंट को बोला कि ये 2 लोगों को पुणा में ये दे दो, RDX दे दो। तो फिर ये रामजी कल संग्रह और ये जो थे ये पुणा गए जी। 3-4 दिन अगस्त 8 से 11 तारीख तक पुणा में रुके। ओके। और RDX लेके आए और सितंबर में ब्लास्ट हो गया। तो ये चारों मीटिंग्स के रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास। अभी वो कोर्ट में हाजिर किए होंगे और उनका ट्रांसक्रिप्ट जी,
और वो चार्जशीट में भी लिखा है कि हमारे पास एविडेंस मीटिंग के वीडियो और ऑडियो में ये मीटिंग का सब प्रोसीडिंग है करके जी।